मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके समझ समझ करके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं, आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे। हाय फ्रेंड्स, मैं देवशीष आइंस्टाइन क्लासेस से, और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में, जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक इवेंट की। कोई भी यदि इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट अंडर सम कंडीशन, किसी कंडीशन के अंदर, इसलिए इसका नाम दिया गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि एक हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसके बेसिस पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ में आएगा। और ये एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आप वो घर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं। यदि आप तीन पॉइंट्स को लेते हैं, तीनों पॉइंट को आप उछालते हैं, तो उछालने के बाद आपका कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा। वो जो ऑब्जर्वेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो आउटकम कहलाता है। इतने तरह के पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के, या इस एक्सपेरिमेंट के जिसमें कि आप तीन पॉइंट को आप उछाल रहे हैं, तो उसके सारे पॉसिबल आउटकम को आप लिख देते हैं, तो वही पॉसिबल आउटकम का जो सेट कहलाता है उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो देख के क्या बनेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, तीन पॉइंट हमने लिया, इस तीन पॉइंट को आप एक पॉइंट का नाम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये तीन पॉइंट, तीनों पॉइंट को आपने टॉस किया। तीन पॉइंट को यदि आप टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, देखिए, हो सकता है कि पहले पॉइंट पे हेड हो, दूसरे पॉइंट पे भी हेड हो, तीसरे पॉइंट पे भी हेड हो, राइट। फिर और क्या आउटकम हो सकता है, पहले पॉइंट पे हेड, दूसरे पॉइंट पे हेड, तीसरे पॉइंट पे टेल, पहले पॉइंट पे हेड, दूसरे पॉइंट पे टेल, तीसरे पॉइंट पे हेड, पहले पॉइंट पे टेल, फिर हेड, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे हेड। इसी तरीके से आपका जो है टोटल, जो आपका आउटकम्स आएगा, टोटल आउटकम्स इस सैंपल स्पेस में 8 आ जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं, जो बहुत आसानी से आप बना भी सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। अब हम लोग यहाँ पे एक इवेंट लेते हैं कि ये इवेंट में कम से कम दो हेड आना चाहिए, तो कौन कौन सा हो सकता है इसका आउटकम। तो आप देखिए, ये हो सकता है हेड, 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 क्योंकि इसमें तीन हेड है तो कम से कम दो हेड तो आ ही रहा है। फिर देखिए हेड, हेड, टेल, इसमें भी कम से कम दो हेड आ ही रहा है। हेड, टेल, हेड, इसमें भी दो हेड कम से कम आ ही रहा है। टेल, हेड, हेड, इसमें भी दो हेड कम से कम आ ही रहा है। हेड, टेल, टेल, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें एक ही हेड आ रहा है, ये नहीं हो सकता उसका पॉसिबल आउटकम। हेड, टेल, टेल, क्यों, टेल, हेड, हेड भी नहीं हो सकता है, टेल, टेल, हेड भी नहीं हो सकता है, और टेल, टेल, टेल तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया, एक इवेंट लिया और उस इवेंट में हमारे पास अब चार पॉसिबल आउटकम्स हैं, और वो चार पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं, हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्लेस करता हूं कि इस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, जो कि चार है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो दैट मीन्स 4 / 8, दैट विल कम आउट हाफ, 1/2 आ गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई सिंपली क्या है, 1/2, राइट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हमने यहाँ पे बात करा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, मैं आपसे अब ये पूछता हूँ कि मैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई निकालना चाहता हूँ, बट अंडर सम कंडीशन। और यहीं से बात आ जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट अंडर सम कंडीशन। अब इसी के ऊपर बात करते हैं, हम लोग अपने सामने क्या रखने जा रहे हैं कि भाई कि इवेंट ई हो जाए, इवेंट ई हो जाए, ठीक है, मतलब कम से कम दो हेड आए, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज हो जाए। अब उसके पहले कोई और चीज होने का मतलब कोई और इवेंट हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, एक इवेंट, नया इवेंट डिफाइन करते हैं। और नया इवेंट क्या है कि पहला वाला जो पॉइंट होना चाहिए वो टेल होना चाहिए,
तो ऐप एक ऐसा इवेंट हमने लिया जिसमें फर्स्ट कॉइन जरूर से टेल हो। दैट मींस फर्स्ट कॉइन टेल होने का मतलब हो गया कि आपका प्रॉडक्ट कौन सा आएगा, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ऐप एक ऐसा इवेंट कौन सा है, फर्स्ट कॉइन जो होनी चाहिए वो टेल होनी चाहिए, फर्स्ट वाला कॉइन, दैट मीन ये टेल, ये भी टेल, ये भी टेल, यहाँ पे भी टेल, बाकी दोनों कॉइन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला वाला जो कॉइन होना चाहिए वो टेल होना चाहिए। इवेंट ई की निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी, ये थी हमारी 1/2। अब हम लोग इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं बट अंडर द कंडीशन दैट ऐप हैज ओकर्ड, तो हम लोग इसी की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू हेड बट द फर्स्ट कॉइन मस्ट बी टेल, राइट। That means, उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एज हैज अकर्ड, एज हो चुका है, इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये समझ आ गया होगा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यदि मैं आपको कह देता हूं कि भाई की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालिए जबकि ऐप हो चुका है, तो बताइए क्या ये सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। पहले आप ये सोचिए भाई कि मैंने आपको क्या कहा, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन दैट ऐप हैज अकर्ड, ऐप हो चुका है, मतलब मैंने ये कंडीशन डाल दिया है। यदि मैं ये कंडीशन डाल दिया हूं तो क्या उस केस में हमारा यही सैंपल स्पेस काम करेगा, ऐसी काम करेगा, या मुझे इसके लिए एक नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो बेसिक बात आपको ये तो इतना तो हमें दिमाग लगाना ही चाहिए और हमारे को देखना ही पड़ेगा कि इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना चाहता हूं गिवन दैट ऐप हो चुका है जिसमें, तुम लोग उस केस में जो है वो केस तो नहीं कंसिडर करें सैंपल स्पेस का जिसमें कि पहले टेल नहीं आया है, जैसे ये वाला केस तो कंसिडर नहीं हो सकता है। कब इस सैंपल स्पेस का ये वाला एलिमेंट एस का, सैंपल स्पेस एस का ये वाला एलिमेंट तुम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, कब, उस समय जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है जबकि ऐप हो चुका हो, ठीक है, ये कंडीशन है। देखिए कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है, कम से कम दो हेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जबकि आपका पहला वाला जो क्वाइन होना चाहिए वो टेल होना चाहिए। यदि मैं ये दे देता हूं तो इसका मतलब डेफिनेटली सैंपल स्पेस में जो एस है इसके हर एक एलिमेंट को तो कंसिडर नहीं करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, फिर हमें सैंपल स्पेस चेंज करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हमें सैंपल स्पेस रिड्यूस करके एक नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। और नया सैंपल स्पेस कौन सा बनेगा, सैंपल स्पेस वो बनेगा जिसमें कि पहले टेल आ चुका है, जिसमें कि पहले टेल आ चुका है, ठीक है। अब टेल किसमें आया है तो वो देखते हैं, तो टेल सबसे पहले आया किसमें, टेल हेड हेड में, फिर आया टेल हेड टेल में, फिर आया आपका टेल टेल हेड में, फिर आया टेल 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 में, राइट, ये चीज आया। इसका मतलब यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है गिवन दैट द इवेंट एफ हैज अकर्ड, तो इवेंट एफ के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वही हमारा एक नया सैंपल स्पेस का काम करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारा जो नया सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। इसमें से हम लोग ये देखें कि भाई कि किस केस में ऐसा हुआ है कि जिसमें कि पहला वाला तो पॉइंट टेल है बट अदर टू पॉइंट जो होनी चाहिए कम से कम हेड होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये वाला एक ही एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर टेल हेड हेड, बाकी सब में तो आप देखेंगे तो इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें तो कोई हेड है ही नहीं। तो यदि मैं आपको कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, तो उस केस में हम लोग नया सैंपल स्पेस हमारा यही बनेगा, मतलब एफ ई एक नया सैंपल स्पेस का काम करेगा, राइट। अब एफ एक नया सैंपल स्पेस का जो काम करेगा उसमें से देखिए कि किसमें कम से कम दो हेड है लेकिन उसके पहले टेल आ जाए, तो केवल एक ही है, एक ही सैंपल पॉइंट है, एक ही आउटकम ऐसा है, इसका इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली कितनी हो गई, 1/4। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे वो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इस तरीके से लिखते हैं जबकि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब लिखने का तरीका यही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, राइट।
तो इट विल बी इक्वल टू। ये समझने के बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई निकालना चाहते हैं गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, मतलब हम लोग ये निकालना चाहते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो आपने क्या किया, यदि मेरे को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई क्या है, इवेंट ई है कम से कम दो हेड आने का अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट मींस पहला वाला क्वाइंट एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहला वाला क्वाइंट क्या हो, टेल हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सैंपल स्पेस एस है उसमें से हम लोग नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे जो फेवरेबल टू एफ है, दैट मीन नंबर ऑफ आउटकम्स वो सब देखेंगे जिसमें कि पहला वाला जो क्वाइन होना चाहिए वो टेल दिखाना चाहिए जो कि क्या है आपका चार आया है। अब इसके बाद हमें क्या, वो सारे आउटकम जिसमें कि पहला वाला क्वाइन टेल भी हो बाकी दोनों एटलीस्ट दोनों हेड हो, दैट मीन्स हमें देखना है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट ई डिफाइन कर देंगे, इवेंट ई हमने डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों का ई इंटरसेक्शन एफ ले लेंगे और ई इंटरसेक्शन एफ में कौन है, केवल टेल हेड हेड, क्योंकि यहां पे भी टेल हेड हेड है ई में और एफ में भी टेल हेड हेड है, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, टेल हेड हेड, राइट। तो यहां पे ई इंटरसेक्शन एफ का जो सेट बनेगा वो बनेगा टेल हेड हेड, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन ई इंटरसेक्शन एफ, वन है, तो वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो एफ में कितने हैं वो फोर है जो दिख ही रहा है आपको, तो डिवाइडेड फोर, दैट वे वन बाय फोर आ गया। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ बोथ इवेंट ई एंड एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस, तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। जब अब बताइए फ्रॉम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आखिर है क्या, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ बोथ। अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताएगा बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी की, तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। तो ये नया कॉन्सेप्ट और बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। इसका मतलब फाइनली हमारे पास ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव हो गया है। कॉन्सेप्ट फाइनली क्या है वो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ बोथ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस किया था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट ई एंड एफ, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट एफ। तो ये हमने डिस्कस किया था और ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी जाकर के ये डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा, बेसिक बात है ये। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को लेते हैं और इस एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 है और इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है वो आपका है प्रॉब्लम नंबर 10। ये प्रॉब्लम ये कहता है कि दो आपने डाइस ले लिया है, आप ऐसा कीजिए एक ब्लैक डाइस लीजिए और एक रेड डाइस लीजिए और दोनों डाइस को आप ऐसा करें थ्रो कीजिए। प्रॉब्लम आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, राइट। अब इसमें देखें कि आपका ई क्या है और एफ क्या है। ई आपका है कि जो सम ऑफ डिजिट्स आना चाहिए, जो सम आना चाहिए वो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, ये आपका ई है। एफ क्या है, एफ यहां पे आपका है कि ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले जब दो डाई को आप थ्रो करते हैं तो उसका आप सैंपल स्पेस लिख लीजिए, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा वो देखिए, अब
अब आपने क्या किया है, एक आपने ब्लैक डाई लिया है और एक आपने रेड डाइस लिया है, ठीक है। ब्लैक और रेड डाइस को आपने थ्रो किया है, थ्रो करने के बाद आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस केस में आएगा वो 36 आएगा। इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को मैं लिखा हूं, आप देखिए यहाँ पे ये आपका ब्लैक डाइस के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो येलो से लिखा गया है वो आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेड डाइस के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आउटकम में आया है। तो जब हमने फेंका तो क्या हो सकता है आउटकम 1-1, फिर अगला वाला 1-2, अगला वाला 1-3, ऐसे करके जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 6। इसलिए मैंने सारा तो मैं दिखा नहीं सकता तो मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अगले में देखिए, अगले में ये वाले का कौन कौन सा आउटकम होगा, 2-1, 2-2, 2-3 से लेकर 2-6 तक, इसी तरह से 3-1 से लेकर 3-6 तक, 4-1 से लेके 4-6 तक, 5-1 से लेके 5-6 तक, 6-1 से लेके 6-6 तक, ठीक है, जो कि मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सैंपल स्पेस कैसे लिखा गया ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा इवेंट ई और इवेंट एफ क्या है। ई जो है यहाँ पे सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। एफ क्या है यहाँ पे, एफ हमारा जो है कि जो ब्लैक डाई पे जो है वो आपका 5 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो मैं सबसे पहले एफ लिख देता हूं क्योंकि हमने जो डिस्कस किया हुआ है वो ये डिस्कस करा हुआ है कि हमारे को एक नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, उसमें जो नया सैंपल स्पेस होता है वो एफ होता है, राइट। तो हम लोग एफ को लिख देते हैं। तो एफ क्या कर रहा है कि एफ वो इवेंट है जिसमें कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। इवेंट एफ क्या है, फिर से देखिए, इवेंट एफ है कि ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। ये 5 आया ब्लैक डाई पे, 1 आ गया किस पे, रेड डाई पे, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि आपके इवेंट एफ में होंगे, राइट। अब हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ बोथ। ई यहाँ पे है सम ग्रेटर देन 9, एफ ब्लैक वाले डिजिट पे 5 आना चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया, इवेंट ई जिसमें कि सम ग्रेटर देन क्या चाहिए 9, और एफ जिसमें कि जो डिजिट होना चाहिए ब्लैक वाले डाइस पे क्या होना चाहिए वो 5। ये दोनों ही कब सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन एक साथ, जब आपका 5-5 और 5-6 हो। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2 है। कौन कौन सा है, 5-5 एंड 5-6, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2 divided by 36, that means 1/18। अब हमें probability of F निकालना है जी, probability of event F, that means probability of getting the digit 5, digit number 5 on the black dice, that will be equal to कितना, देखिए probability of F वो कैसे आएगा, इसमें total number of outcomes कितने हैं F में, 6 divided by 36 sample space में, तो probability of F कितना हो गया, 6 divided by 36, That means it will come out 1/6। तो ये आपका अभी कितना हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे 1/18 और ये हमने कैलकुलेट किया 1/6। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट 1/3। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट। इस तरीके से हमने निकाला क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी 1/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन अ 5, इट विल कम आउट 1/3। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जो इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका एक्सरसाइज 13.1 का प्रॉब्लम है, और ये एक्सरसाइज 13.1 का जो प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम नंबर
टेंथ का बी पार्ट है, ठीक है। पिछले सेशन में हमने टेंथ का ए पार्ट डिस्कस किया था, अब हम लोग टेंथ का बी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम लोग को दो अप्रोच से करेंगे। पहला अप्रोच जो होगा वो फंडामेंटल अप्रोच होगा, पर्सनल प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल डेफिनेशन से बेस्ड होगा, और जो सेकंड अप्रोच होगा वो आपका डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला जो डिराइव कर रखा है उसके बेसिस पे होगा, राइट। अब हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, है क्या प्रॉब्लम। ये कहा जा रहा है कि भाई कि आपने एक ब्लैक और एक रेड डाइस उसको आपने रोल किया, एक साथ दोनों को रोल कर दिया, दोनों को एक साथ थ्रो कर दिया। जब दोनों को एक साथ थ्रो करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स, वो 36 आएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 11 से लेके 16 तक, 11 12 13 14 15 16 21 से लेके 26 तक, उसी तरीके से 21 22 23 एंड सो ऑन, 31 से लेके 36 तक आएगा, 41 से लेके 46 तक आएगा, 51 से लेके 56 तक आएगा, 61 से लेके 66 तक आएगा। व्हाइट चौक से जो मैंने लिखा हुआ है वो ब्लैक डाइस के ऊपर जो डिजिट आया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो से जो मैंने लिखा है वो रेड डाइस के ऊपर जो डिजिट आया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, देखिए प्रॉब्लम में कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। तो देखिए यहाँ पे ई और एफ क्या है, एफ यहाँ पर क्या है, इवेंट एफ है, रेड डाई पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो नंबर लेस देन 4 आना चाहिए, राइट। ई हमारा क्या है, ई हमारा है कि जो दोनों डिजिट का सम होना चाहिए वो 8 के इक्वल होना चाहिए। हमारे को निकालना है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट The red die result in a number less than 4। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैं पहले फंडामेंटल अप्रोच यूज करता हूं। मैं यहां पे सबसे पहले ये देखूंगा कि इसके अंदर जो सैंपल स्पेस ऐसा आपने बना रखा है, इसके अंदर जो हर एक आउटकम आ रहा है वो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इसमें से जो आपका आउटकम आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इस सैंपल स्पेस को रिड्यूस कीजिए और नया सैंपल स्पेस बनाइए जो कि एफ को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस आप इवेंट एफ का आउटकम लिख लीजिए, वो इवेंट एफ का जो आउटकम है नया सैंपल स्पेस का काम करेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। सबसे पहले मैं एफ के आउटकम को लिखने जा रहा हूं। तो एफ यहां पे क्या है, एफ बेसिकली यहां पर है, इवेंट एफ यहां पे है रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, राइट। ये एफ है। अब हम लोग एफ के आउटकम को लिख लेते हैं। एफ में वो सारे आउटकम आएंगे जिसमें कि रेड डाई पे जो डिजिट आना चाहिए वो 4 से कम होना चाहिए। दैट मीन्स रेड डाई पे जो डिजिट आना चाहिए वो आपका 1, 2 और 3 आना चाहिए। तो एफ में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ब्लैक डाई पे कोई भी डिजिट आ सकता है 1, 2, 6 में, बट रेड डाई पे जो डिजिट आना चाहिए या तो 1, 2 या 3, राइट। तो यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो एफ में कौन कौन से आउटकम होंगे वो मैं अब लिखने जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, व्हाइट चौक से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वो आपका ब्लैक डाई के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो चौक से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो यहां पे रेड डाई के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ हमारा क्या, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। यदि ऐसा है तो ब्लैक डाई पे डिजिट 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट रेड डाई पे डिजिट केवल 1, 2, 3 आ सकता है, 1 या 2 या 3। इस तरीके से ये हमने इवेंट एफ का टोटल आउटकम्स हमने लिख लिया, जो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये आपको 18 दिख रहा है। अब यदि आप ये निकालना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, तो आप ये सैंपल स्पेस एस कंप्लीटली भूल जाइए। अब हमारे लिए नया सैंपल स्पेस सिंपली एफ है। एफ आपने लिखा हुआ है उसमें से कौन कौन से आउटकम ऐसे हैं जो कि फेवरेबल टू इवेंट ई है, और इवेंट ई हमारा क्या है, इवेंट ई हमारा है जो सम ऑफ द डिजिट्स होना चाहिए वो 8 के इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसमें कौन कौन से ऐसे आउटकम है जो कि सम ऑफ द डिजिट 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे देखिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे केवल दो ही ऐसे आउटकम है एफ में से जो कि इवेंट ई के लिए फेवरेबल है, क्योंकि इन दोनों डिजिट का जो सम है 5 और 3 इसका सम 8, 6 और 2 इसका भी सम 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच इज फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ।
राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई दैट विल बी 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ विल बी इक्वल टू 18, तो 2 डिवाइड बाय 18 व्हिच विल कम आउट 1/9। तो ये हमने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से करा है। अब हम लोग इसको ऑल्टरनेट अप्रोच इस प्रॉब्लम को करते हैं, जिसमें कि हम लोग फॉर्मूला जो डिराइव कर रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उसका यूज करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ कितना है आपका 18, जो कि आपको दिख ही रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस कितना है 36। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 18 डिवाइड बाय 36 व्हिच विल कम आउट 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया 1/2 के इक्वल, राइट। तो हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ई क्या है यहाँ पे, ई यहाँ पे है आपका ई जो सम ऑफ द डिजिट होना चाहिए वो एक्चुअली कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, राइट। एफ आपका ये सारा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा केवल दो ही आउटकम होगा, कौन कौन सा, एक आपका 6.2 दूसरा होगा 5.3। तो ई इंटरसेक्शन एफ में केवल दो ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस कितना है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल हो गया 2 डिवाइडेड बाय 36 व्हिच विल कम आउट 1/18, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ जो कि 2 है, कौन कौन से हैं 6.2 और 5.3। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंटरसेक्शन एफ इज 2 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस कितना है 36। तो 2 डिवाइड बाय 36 व्हिच विल कम आउट 1/18। अब यहां पे आप प्लेस कीजिएगा 1/18, यहां पे प्लेस कीजिएगा 1/2, तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इट विल कम आउट 1/9। अब यहां पे मैंने 1/18 प्लेस किया है, यहां पे मैंने 1/2 प्लेस किया है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल कम आउट 1/9। तो इस प्रॉब्लम को हमने दो अप्रोच से सॉल्व किया, राइट। दो अप्रोच कौन कौन सा था, एक फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया, दूसरा हमने यूज किया डायरेक्टली फॉर्मूला जो कि हमने डिराइव कर रखा था। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जब यूज कर रहे हैं तो उसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सैंपल स्पेस एस जो इसमें आने वाले सारे आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग सीधे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, जो कि इनफैक्ट काफी आसान है। इस सेशन में एक्सरसाइज 13.1 का जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम नंबर 14 है। अब प्रॉब्लम नंबर 14 क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, जब आप दो डाइस लेते हैं उसको आपने थ्रो किया, टोटल नंबर ऑफ जो आपका आउटकम इस सैंपल स्पेस में आएगा वो 36 आएगा, उसमें से जो आपको आउटकम कंसिडर करना है एफ के लिए में कि दोनों डिजिट डिफरेंट होंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अब इवेंट ई जो है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इक्वल्स टू 4 है, राइट। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि यदि हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो सैंपल स्पेस एस में, तो हम लोग फंडामेंटल प्रोसीजर बड़े आसानी से अप्लाई करके जल्दी काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सैंपल स्पेस एफ तैयार कर लीजिए। सैंपल स्पेस एफ में क्या है, सैंपल स्पेस एफ है टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एफ क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 30, राइट। क्योंकि केवल 6 ही ऐसे आउटकम है जिसमें कि दोनों डिजिट इक्वल हो सकते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6। इनमें से केवल कितने आउटकम है जिसमें कि सम ऑफ द डिजिट्स जो होगा वो आपका 4 के इक्वल होगा, तो वो केवल दो ही हैं, एक तो आपका 1, 3 है और दूसरा आपका 3, 1 है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो इवेंट ई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेसिकली, जिसमें कि सम ऑफ द डिजिट जो है 4 के इक्वल होगा, तो इट विल बी 2। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच इज फेवरेबल टू ई वो 2 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एफ विल बी 30, तो 2 डिवाइड बाय 30 इट विल कम आउट 1/15। बहुत आसानी से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे तो आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस एफ क्या है। सैंपल स्पेस एफ यहाँ पे है कि जो दोनों डिजिट होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। 1 2 1 3 1 6, राइट। 2 1 2 3 2 6, 3 1 से लेके 3 6 तक 3 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 2 नहीं रहेगा, इसमें 1 1 नहीं रहेगा, 4 1 से लेके 4 6 तक 4 4 नहीं रहेगा, 5 1 से लेके 5 6 तक 5 5 नहीं रहेगा, 6 1 से लेके 6 5 तक इसमें से 6 6 नहीं रहेगा, राइट। इवेंट ई क्या है यहाँ पे, इवेंट ई सम ऑफ द नंबर्स विल बी 4। तो केवल दो ही ऐसे आउटकम है जो इवेंट ई को आपको बता रहा है, और ये है आपके एक 1 3 और दूसरा है 3 1, राइट। सम ऑफ द डिजिट्स जो है केवल 1 3 या 3 1 में ही ऐसा है जिसमें कि सम ऑफ द डिजिट्स 4 के इक्वल है। तो यदि मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, तो ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई जो कि 2 है 2 है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एफ जो कि 30 के इक्वल है, तो 2 डिवाइड बाय 30 दैट विल कम आउट 1 बाय 15। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि अब हमारा नया सैंपल स्पेस एफ ही रहेगा और एस को आप बिल्कुल आप भूल जाइए। तो एफ में जितने भी आउटकम्स हैं उसमें से केवल दो ही ऐसे आउटकम है जो फेवरेबल टू ई है, तो ये 2 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एफ, राइट। तो 30 हो गया, तो 2 बाय 30 दैट विल कम आउट 1 बाय 15। ये एक फंडामेंटल अप्रोच से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे क्या है कि इस सैंपल स्पेस में जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस बना रखा है उसमें से हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। फिर आपका अप्रोच क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं, तो इसके थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। Probability of occurrence of event E given that F has occurred will be equal to probability of E intersection F. That means probability of occurrence of both event E and F divided by probability of F. अब probability of F कितना होगा? Probability of F जो होगा total number of outcomes in F divided by total number of outcomes in sample space S. Total number of outcomes F में कितना है? 30 है जो कि आप देख चुके हैं. Total number of outcomes sample space में कितना है? 36 है. तो it will come out 30 divided by 36. It will come out 5 by 6, right? Probability of E intersection F, that means probability of occurrence of both event E and F, वो केवल दो ही हैं। E यहाँ पे क्या है? यहाँ पे E है जो digit का sum होना चाहिए, वो 4 के equal होना चाहिए। और F यहाँ पे क्या है? F यहाँ पे है कि दोनों digit equal नहीं होना चाहिए, right? तो आप इन दोनों में से दोनों condition को satisfy करने वाला केवल दो ही outcome है, एक 1 3 है, दूसरा 3 1 है। तो probability of occurrence of E intersection F will be equal to total number of outcomes of E intersection F जो कि 2 है divided by total number of outcomes in sample space 36 है, तो 2 divided by 36 will be 1 by 18। अब यहाँ पे आप 1 by 18 place कीजिए, यहाँ पे 5 by 6 place कीजिए और calculate कीजिए, it will come out 1 by 15। तो इस approach से भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग इस सेशन में जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 है, ये प्रॉब्लम नंबर आपका 11 है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक फेयर डाई है जिसको आपने रोल कर दिया, थ्रो कर दिया, और इसमें 3 इवेंट्स कंसिडर करेंगे, इवेंट्स ई एफ एंड जी। यदि आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस बहुत ही सिंपल है। इस एक्सपेरिमेंट का जो आपने डाई को थ्रो किया है उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस मैंने रिप्रेजेंट किया एस से, और इसके अंदर जो आउटकम है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब 3 इवेंट डिफाइन करी गई है ई एफ एंड जी। अब हमारे को जो प्रॉब्लम है पहला पार्ट यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, राइट। अगले पार्ट में मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, ये निकालना है। तो ये हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालेंगे, और फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहले probability of f निकाल लेते हैं। probability of f will be equal to number of outcomes in f divided by number of outcomes in sample space s. number of outcomes f में कितने? 2 हैं, और number of outcomes in sample space s कितना है? वो आपका 6 है। तो probability of f कितने की इक्वल आ जाएगा? 1 by 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग probability of e intersection f निकालने जा रहे हैं। तो यदि आप probability of e intersection f निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग e intersection f निकालेंगे, और ये E इंटरसेक्शन F किसके कुल आएगा? E इंटरसेक्शन F आएगा आपका, ये आपका इवेंट E है, ये इवेंट F है। तो E इंटरसेक्शन F विल बी, इसमें केवल कॉमन कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कॉमन आउटकम है? 3 है। तो E इंटरसेक्शन F में जो आउटकम आएगा वो 3 आएगा। अब हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन E इंटरसेक्शन F जो कि 1 के इक्वल है,
और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस जो कि 6 के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, सिंपली 1/6। अब हमारे को क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ जो 1/6 है डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि आपका 1/3 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप 1/6 प्लेस कीजिए, यहाँ पे 1/3 प्लेस कीजिए और उसे कैलकुलेट कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसका अगला पार्ट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज अकर्ड, अब ये निकालना है। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज अकर्ड, तो अब वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। अब आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दोनों इक्वली होता है, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मैंने 1/6 निकाल रखा है, तो यही बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई का काम करेगा, राइट। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई कितना है, 3 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, सिंपली 3/6 दैट विल कम आउट 1/2। तो यहां पे आप 1/6 प्लेस करेंगे, यहां पे 1/2 प्लेस करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 1/3, तो काफी आसान प्रॉब्लम है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई डिवाइडेड नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई कितना है, 3 है, तो 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस 6 है, तो 6, तो इट विल कम आउट 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1/2 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई 1/6 है। अब ये दोनों यहां पे 1/6 प्लेस कीजिए, यहां पे आप 1/2 प्लेस कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए, इट विल कम आउट 1/3, राइट। Probability of F intersection E will be equal to 1/6. Probability of E will be equal to 1/2. जब आप प्लेस करेंगे यहाँ पे, आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 1/3, राइट। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F गिवन दैट E हैज अकर्ड ये निकाला। प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि सपोज हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमने एक सैंपल स्पेस लिख दिया, उस सैंपल स्पेस में से हम लोग दो इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मैंने एक इवेंट ई ले लिया, दूसरा इवेंट एफ ले लिया। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई एंड एफ बोथ, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई एंड एफ। तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। तो यदि हम लोग इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हेल्प लेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, ये प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल नॉट बी इक्वल टू 0। कंडीशन लिख देता हूं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है। ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने डिस्कस करा था। तो अब इसको देखिए, इसको सिंपल सी बात है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई Given that F has occurred into probability of F, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब probability of E intersection F को हमने simply यहां से लिख सकते हैं probability of occurrence of event E given that F has occurred, right, into probability of F। अब ध्यान दीजिए यहां पे, तो इसी को हम लोग कह देते हैं बेसिकली मल्टीप्लीकेशन थियोरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको जरा देखिए यहां पे, E intersection F और F intersection E बात तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई की बात करें, तो दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स ई एंड एफ विल बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ and the probability of event E given that F has occurred, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं multiplication theorem on probability। तो probability of
F इंटरसेक्शन E हो गया, अब हम लोग लिखते हैं E इंटरसेक्शन F का। यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F लिखेंगे तो इट विल बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F गिवन दैट E हैज ऑलरेडी अकर्ड। E इंटरसेक्शन F को EF भी लिखा जाता है। हमारे पास एक सैंपल स्पेस S है और सैंपल स्पेस S में से तीन इवेंट हमने डिफाइन कर दिया EFG। अब हम लोग यहां पे निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स E, F एंड G। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G हमें ये पता करना है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग सपोज निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई एफ एंड जी, राइट। तो ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट ई हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट जी गिवन दैट बोथ ई एंड एफ हैज अकर्ड। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं और जनरलाइज तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को डिस्कस करने के बाद हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसका हमने एक सैंपल स्पेस बनाया, उस सैंपल स्पेस में से हमने दो इवेंट डिफाइन कर दिया, एक इवेंट ई डिफाइन किया और एक इवेंट एफ डिफाइन किया, राइट। अब हम लोग कहेंगे क्या कि इवेंट ई एंड एफ कब इंडिपेंडेंट होंगे, इवेंट ई एंड एफ दोनों तब इंडिपेंडेंट होंगे जबकि इवेंट ई के अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट एफ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। इसी तरीके से इवेंट एफ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका इवेंट ई से कोई लेना देना ही नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तब हम लोग कहेंगे कि बोथ इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालते हैं। अब आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। अब जब आपने ये निकाला तो वही प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई का एफ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इवेंट एफ के अकर करने से कोई लेना देना ही नहीं है। तभी तो हम लोग कहेंगे कि इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। ये कंडीशन बन गया कब, जब इवेंट ई एंड एफ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट ई हैज अकर्ड। यदि ये भी हो जाता है तब भी हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कि इवेंट ई एंड एफ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Probability of occurrence of event E given that F has occurred will be equal to probability of E। यदि ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे event E and F are independent। या फिर हम लोग ये कहें probability of occurrence of event F given that E has occurred it will be equal to probability of F। यदि ये दोनों condition हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों events E and F independent हैं, right? यहाँ पे ये ध्यान में रखने वाली बात है कि दोनों event के होने की कुछ ना कुछ probability होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड ये हम लोग लिखते हैं। ये लिखेंगे क्या, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके कुल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यदि ऐसा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई एंड एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट होंगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई एंड एफ बोथ जो होगा दैट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। काफी काफी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत दफे हम लोग यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे तीन इवेंट्स ए बी सी के म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं। सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट हमने करा, उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाया, उसमें से तीन इवेंट्स ए बी सी को डिफाइन किया। अब बात आती क्या है कि इवेंट्स ए बी एंड सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे कब। अब हमने यहाँ पे जैसा कि भी डिस्कस किया था कि यदि हम लोग तीन इवेंट्स की म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट मींस ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट हों।
बी एंड सी भी इंडिपेंडेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यदि ये चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगे, एक साथ ट्रू होंगे, तभी जाकर के हम लोग कहेंगे कि इवेंट्स ए बी एंड सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं। इनमें से कोई भी एक कंडीशन गलत चला जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ए बी सी यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे जबकि हम लोग बात करते हैं तीन इवेंट्स के म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए। इस सेशन में हमने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस किया है, अगले सेशन में हम लोग इस सेशन में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करी गई है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो हमारे वीडियोज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। इस सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 3/5 है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 1/5 है। हमारे को ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी बोथ, यहाँ पे साथ में दे रखा है कि ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी बोथ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है प्रॉब्लम में 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होएगा वो सिंपली पी ए इंटू पी बी होगा एंड हेंस इट विल कम आउट 3/25। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं लिख भी देता हूं, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था जो कि हमने ये पहला प्रॉब्लम डिस्कस किया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं, सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर। हम लोग यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है देखिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है टू कार्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्स आर ब्लैक। तो आपको देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से आपने दो कार्ड को एट रैंडम निकाला है और बिना रिप्लेस करे। बिना रिप्लेस करने का मतलब है कि आपने एक कार्ड निकाला फिर उसे अलग रख दिया, फिर रिमेनिंग 51 कार्ड्स में से आपने दोबारा एक और कार्ड निकाला। तो हमारे को ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों कार्ड ब्लैक हों। तो सबसे पहले हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। ये आपका प्लेइंग कार्ड है, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। ब्लैक कार्ड हो गया और ये आपका रेड कार्ड हो गया। तो ऐसे आपके 26 ब्लैक कार्ड होंगे, 26 रेड कार्ड होंगे। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 52 कार्ड्स में से मैं निकाल लेता हूं, एक निकाला, इसको निकालने के बाद मैंने अलग रख दिया, फिर मैंने दूसरे कार्ड को निकाला, फिर मैंने दूसरे कार्ड को निकाला और फिर उसे रख दिया, राइट। तो हमारे को कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग इवेंट को डिफाइन कर देते हैं। इवेंट ए हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो पहला कार्ड ड्रॉ किया गया था वो ब्लैक है। इवेंट बी दूसरा कार्ड जो ड्रॉ किया गया है वो ब्लैक है। इवेंट ए और इवेंट बी को हमने डिफाइन कर दिया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, इसका मतलब ये हो गया कि हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी बोथ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ओकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी। दैट मींस मैथमेटिकली इसको कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा वो देखते हैं। अब ध्यान से सोचिए आप लोग, इवेंट ए एंड इवेंट बी इंडिपेंडेंट हैं, इन दोनों इवेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये आप सोच सकते हैं कि पहला कार्ड जो आपने ड्रॉ किया वो ब्लैक हो, फिर दूसरा कार्ड जो ड्रॉ किया वो ब्लैक हो, बोथ आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद बात आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, राइट। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं। अब हमारा कंसर्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने का। अब हमारा ए क्या है, इवेंट ए है, पहला कार्ड जो ड्रॉ किया गया वो ब्लैक है। अब ध्यान से सुनिए आप बात को,
के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। अब हमारे को बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, और इवेंट ए है कि पहला कार्ड जो ड्रॉ किया गया वो ब्लैक हो, तो इसकी सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी कितने के इक्वल होगी, 26 डिवाइड बाय 52 फ्रॉम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसा इसलिए है हमारे पास 52 कार्ड्स हैं कि मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं, तो एक कार्ड को यदि हम लोग निकालते हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 52 होंगे। इनमें से 26 ऐसे आउटकम होंगे जिसमें कि ब्लैक कार्ड होएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज फेवरेबल टू द इवेंट ए वो क्या होगा, 26 होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपली कितनी होगी, 26 डिवाइड बाय 52, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल कम आउट 1/2। तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल लिया विच विल कम आउट 1/2, राइट। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालने जा रहे हैं। अब इवेंट बी क्या है, इवेंट बी है सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब आपने यहाँ पे क्या किया, पहला कार्ड ड्रॉ कर लिया था, पहला कार्ड जो ड्रॉ किया वो ब्लैक कार्ड है, तो यदि आपने ब्लैक कार्ड को ड्रॉ कर लिया उसको आपने अलग रख दिया, अब हमारे पास टोटल जो इस प्लेइंग कार्ड में रहेंगे वो टोटल 51 कार्ड्स होंगे। इस 51 कार्ड्स में से टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड जो होंगे वो कितने होंगे, 25 होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो पहला कार्ड ड्रॉ किया वो ब्लैक कर चुके हैं आप। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज फेवरेबल टू द इवेंट बी वो कितने हो गए, 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो हो गए आपके कितने, 51। दैट मींस यहां पे हम लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी किसके इक्वल होगी, 25 डिवाइडेड बाय 51। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 25 बाय 51 है, तो यहाँ पे 25 बाय 51 प्लेस कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/2 प्लेस कीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी बात है 25 डिवाइड 102। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी विल कम आउट 25 डिवाइड बाय 102। इस प्रॉब्लम में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में समझा। जब हमारे को साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, दैट मींस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछी जाए, तो ये जरूर से चेक कर लीजिए क्या इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। यदि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे तो सिंपल सी बात है डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व, एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में टोटल जो नंबर ऑफ ऑरेंजेज हैं वो 15 है। आप देखेंगे ध्यान से तो जिस सर्कल में लिखा हूं वो गुड ऑरेंज को डिनोट करेगा, जिस सर्कल में मैंने बी लिख रखा है उस बैड ऑरेंज को डिनोट कर रहा है। टोटल इसमें 15 ऑरेंज हैं, इस 15 ऑरेंज में से 12 ऐसे ऑरेंज हैं जो गुड ऑरेंज है और 3 बैड ऑरेंज है। बैड ऑरेंज मतलब बी बी एंड बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से हम लोग 3 ऑरेंज को निकालेंगे एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड, जो आप 3 के 3 ऑरेंज निकालें यदि अच्छे निकल जाते हैं तब तो हम इसको बेचने के लिए अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज बेचने के लिए अप्रूव नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें बताना है इस बॉक्स को बेचने के लिए जो अप्रूवल मिलनी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम लोग सबसे पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। इवेंट ए है द फर्स्ट ऑरेंज इज ड्रॉन विच इज गुड, बी यहाँ पे है सेकंड ऑरेंज विच ड्रॉन इज गुड, सी यहाँ पे है थर्ड ऑरेंज इज ड्रॉन विच इज गुड। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए बी एंड सी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, ये निकालना है। अब आप ये सोचिए कि क्या ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है तीनों ही इवेंट्स यहाँ पे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। यदि तीनों इवेंट्स यहाँ पे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए बी एंड सी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। तो मैं अब इस कॉन्सेप्ट को लिख देता हूं। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। इवेंट ए क्या है, फिर से सोचिए आप लोग। इवेंट ए ये है कि जो पहला ऑरेंज ड्रॉ किया था वो अच्छा ऑरेंज होना चाहिए। अब इस इवेंट को की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी सिंपल सी बात है 12 डिवाइडेड बाय 15 होगी।
क्योंकि जब आप देखेंगे तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो लिखी जाएगी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि आप इस बॉक्स में से एक ऑरेंज निकाल रहे हैं, पहला ऑरेंज आपने निकाला, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे जो सैंपल स्पेस बनाएंगे एक ऑरेंज को निकालने का, दैट विल बी इक्वल टू 15। सिंपल सी बात है, 15 C1 कर लीजिए या सिंपल सी बात है 15 कर लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 15 हो गए। अब इसमें से कितने ऐसे आउटकम है जो कि फेवरेबल है इवेंट ए को, और इवेंट ए हमारा क्या है, इवेंट ए हमारा है कि फर्स्ट ऑरेंज ड्रॉन इज गुड, जो पहला ऑरेंज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो अच्छा ऑरेंज होना चाहिए। इस इवेंट के लिए कितने टोटल फेवरेबल आउटकम्स होंगे, 12 होंगे, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंज कितने है, 12 है, तो दैट वे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपली कितनी हो गई, 12 डिवाइडेड बाय 15, राइट। तो 12 डिवाइडेड 15 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट ए। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ गया 12 डिवाइडेड बाय 15। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, बी क्या है कि सेकंड ऑरेंज जो ड्रॉ करी गई है वो आपका गुड ऑरेंज होना चाहिए। अब आपके पास क्या है, जब आपने पहला ऑरेंज निकाल लिया था तो उसके बाद रिमेनिंग कितने ऑरेंज रह गए बॉक्स में, 14। इनमें से 11 अच्छे ऑरेंज है, क्योंकि पहले वाले में आपने क्या किया कि एक ऑरेंज जो निकालो अच्छा ऑरेंज निकाल चुके हैं आप लोग, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल सी बात है 11 डिवाइडेड 14। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, सी क्या है, यहाँ पे जो थर्ड ऑरेंज निकाल रहे हैं वो अच्छा ऑरेंज होना चाहिए। जब हम लोग ये काम कर रहे होंगे तो उस समय टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने रह गए बॉक्स में, वो टोटल रहेंगे 13। उनमें से कितने अच्छे ऑरेंज है, वो आपके टोटल जो अच्छे ऑरेंज वो 10 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 13। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने लिखा 11/14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखा हमने 10/13, राइट। अब हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए बी एंड सी, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 44/91। इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉक्स को बेचने के लिए जो अप्रूवल मिलना है कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 44/91, राइट। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। दिस वन इज द हाय फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में जो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। ए हमने एक इवेंट लिया, उसका इवेंट नोट ए जिसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, तो ए डैश हमारा क्या है यहाँ पे, इवेंट नोट ए। उसी तरह से इवेंट नोट बी को हम लोग बी डैश से डिनोट करते हैं। यदि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो उस केस में इवेंट ए डैश एंड बी वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो उसके बेसिस पर हम लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए डैश एंड बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इन द सिमिलर वे, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन इवेंट्स ए एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो उस केस में कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब एक और बात, यदि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे तो उस केस में इवेंट ए डैश एंड इवेंट बी डैश वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आप प्रूव भी कर सकते हैं। मैं कभी ना कभी किसी सेशन में इन सारे पॉइंट्स को प्रूव भी करूंगा। अभी मैं डायरेक्टली कहूंगा कि इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। अब मैं डायरेक्टली इसका मैं एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूं कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 13.2 का 9th प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है देखिए, इसमें बताया गया कि दो इवेंट्स हैं, ये नहीं बोला गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। दो इवेंट हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आपको ये भी दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 के इक्वल है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी।
अब देखिए यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है, ट्रिकी पॉइंट ये है कि जब आप इसको देखेंगे तो इसको देख के ही आप बता सकते हैं कि इवेंट्स ए एंड बी जो हैं इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ऐसा क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 आ गया, और वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी प्रॉब्लम में 1/8 दे रखा है। तो इसके बेसिस पे आपने क्या समझा कि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यदि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो उस केस में ए डैश एंड बी डैश भी तो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, यदि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो डैट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बहुत ही सिंपल, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि अभी हमने प्रूव कर दिया कि इवेंट्स ए डैश एंड बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। क्योंकि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो उसी बेसिस पे मैंने ये पॉइंट लिख दिया और ये कॉन्सेप्ट लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, राइट। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालेंगे। आपको जैसा कि पता है बेसिक कॉन्सेप्ट से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इट विल बी इक्वल टू 1, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल कम आउट 1 माइनस 1/4 विच विल कम आउट 3/4। इन द सिमिलर वे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश विल कम आउट 1/2, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश विल बी इक्वल टू 1 है, राइट। तो पहले मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 3/4 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1/2 के इक्वल हो गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी विल बी इक्वल टू 3/4 इनटू 1/2 व्हिच विल कम आउट सिंपली 3/8, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हमने अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट एक डिस्कस किया था कि यदि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में इवेंट्स ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और यदि इवेंट्स ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट होंगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी रिटर्न प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया है, राइट। आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, और हमारे चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके अप्रोच के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि कई दफे आप क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम में आपको पूछा जाएगा कि आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार होने की प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम आप कई दफे देखेंगे। अब इस तरह के प्रॉब्लम का मैं आसान अप्रोच आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये आसान अप्रोच क्या होगा, आपको सिंपली क्या करना है कि इस तरह के इवेंट का आपको कॉम्प्लीमेंट्री देखना है। यदि आप कॉम्प्लीमेंट्री इसका देख लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट एटलीस्ट वंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस इवेंट इट विल बी इक्वल टू 1, दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस इवेंट वो निकालना आसान है, और इसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम का हमारा ये एक जनरल सा अप्रोच रहेगा, इसलिए इस अप्रोच को आप ध्यान रखें। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम ले लिया, प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही है, और प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ देता हूं। प्रॉब्लम कहता है कि प्रॉब्लम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का है, और ये प्रॉब्लम आपका है प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक आपने डाइस लिया, उस डाइस को आपने टॉस किया थ्राइस, इन दफे आपने थ्रो कर लिया। अब कहा जा रहा है प्रॉब्लम में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री ये बनेगा कि ऑड नंबर ना आना,
अब ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी यदि आपने निकाल लिया तो अब क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर एटलीस्ट वंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर, दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली 1 के इक्वल। अब इसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर एटलीस्ट वंस आसानी से निकाल लेंगे, गेटिंग द ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो इसके अप्रोच के ऊपर हमने डिस्कस किया था, इसका अप्रोच ये था कि आपको ऐसे इवेंट का सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सोचना है। गेटिंग द ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन एनी थ्रो, किसी भी थ्रो में ऑड नंबर ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, जिसको हमने दिखाया पी ए डैश से। तो पी ए डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन एनी थ्रो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए है। तो पी ए प्लस पी ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। और ये निकालना बहुत ही आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन एनी थ्रो ये निकालना बहुत ही आसान है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन एनी थ्रो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन फर्स्ट थ्रो एंड इन सेकेंड थ्रो एंड इन थर्ड थ्रो। अब ये तीनों ही जो थ्रो आप कर रहे हैं ये तीनों थ्रो इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन फर्स्ट थ्रो एंड इन सेकेंड थ्रो एंड इन थर्ड थ्रो विल बी इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट से हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन फर्स्ट थ्रो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन सेकेंड थ्रो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन थर्ड थ्रो। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इन एनी थ्रो क्या होगा, किसी भी थ्रो में 1/2 के इक्वल होगा। इसकी बेसिक वजह क्या है, यदि आप किसी भी डाइस को फेंकते हैं तो उसमें उसका सैंपल स्पेस जो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसमें से 2, 4, 6 ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर नहीं है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, बात तो एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर विल बी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज फेवरेबल टू इवन नंबर जो कि 3 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि 6 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर इन एनी थ्रो विल बी 1/2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द ऑड नंबर इट विल बी 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि P into A dash that will be equal to probability of not getting the odd number in first throw that is 1/2 into once again 1/2 into once again 1/2। इसका मतलब हो गया कि probability of not getting the odd number in any throw will be 1/8। इसका मतलब probability of getting the odd number at least once will be 1 minus 1/8 which will come out simply 7/8, right? बहुत ही आसान है यदि आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो। नो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि आपको चीजें और बेटर वे में समझ में आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1/8 निकाला है, यहां पे हमने प्लेस कर दिया और फिर इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर एटलीस्ट वंस इट विल कम आउट 7/8। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच यही आपको ध्यान में रखना है, राइट। नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, राइट। एग्जाम्पल हमारा ये है कि दो फैक्ट्री है और ये दो फैक्ट्री लाइट बल्ब सप्लाई करती है मार्केट को। फैक्ट्री एक्स का जो बल्ब वर्क कर रहा है 5000 घंटे से ऊपर वर्क करेगा 99% ऑफ केसेस में। बल्ब आप खरीदते हैं और यदि वो बल्ब फैक्ट्री एक्स का निकला तो 5000 घंटे से ऊपर रन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 है। वहीं पे यदि फैक्ट्री वाई का जो बल्ब है वो आपका 95% केसेस में 5000 घंटे से ऊपर काम करता है,
दैट मीन्स 0.95 प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि जो बल्ब है वो 5000 घंटे से ऊपर वर्क करेगा यदि वो बल्ब फैक्ट्री वाई ने प्रोड्यूस कर रखा है, राइट। इस बात को हम लोग जानते हैं, दे रखा है यहाँ पे मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें से 60% ऑफ द टोटल बल्ब जो है फैक्ट्री एक्स का है, इसका तो हो गया कि 40% ऑफ द टोटल बल्ब जो है आपका फैक्ट्री वाई का है, राइट। अब मैं एक बल्ब परचेज करने जाता हूँ, परचेज करता हूँ तो ये हमें नहीं पता है कि वो बल्ब फैक्ट्री एक्स का है या फैक्ट्री वाई का है, ठीक है। तो मैंने एक बल्ब को परचेज किया, व्हाट इज द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट अ परचेज्ड बल्ब विल वर्क फॉर लॉन्गर देन 5000 आवर्स। तो यहाँ पे हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बल्ब हमने खरीदा है, जो बल्ब हमने परचेज किया है, वो बल्ब 5000 घंटे से ऊपर चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस आउटकम को या इस इवेंट को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। दैट मीन्स ए विल बी द इवेंट विच इज द परचेज बल्ब विल वर्क फॉर लॉन्गर देन 5000 आवर्स। तो हमें फाइनली जो है प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कि जो खरीदा हुआ बल्ब है वो 5000 घंटे से ऊपर वर्क करेगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो बल्ब फैक्ट्री एक्स का है या वो फैक्ट्री वाई का है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं जिससे कि इस बात को और बेटर वे में समझा जा सकता है, राइट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ पे एक सैंपल स्पेस एस से डिनोट किया है, राइट। इस सैंपल स्पेस में क्या क्या इवेंट्स हैं, एक तो इवेंट E1, इवेंट E1 यहाँ पर ये है कि जो बल्ब है वो फैक्ट्री एक्स ने प्रोड्यूस किया है। तो E1 इवेंट विच डिनोट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री एक्स। E2 यहाँ पे है इवेंट जो कि ये बता रहा है कि द बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री वाई। और अब ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इट विल बी इक्वल टू 0.6, क्योंकि मार्केट में जितने बल्ब अवेलेबल हैं वो आप देखेंगे तो उसमें से 60% बल्ब जो है फैक्ट्री एक्स का है और 40% बल्ब जो वो आपका फैक्ट्री वाई का है। तो probability of E1 is 0.6 and probability of E2 is 0.4, right? तो मैं पहले इसको लिख देता हूं। यहाँ पे जो A है, A क्या है? A वो outcome है या event है जो कि purchase bulb 5000 घंटे से ऊपर run करेगा, right? यदि मैं probability of the outcome A निकालना चाहता हूं, तो outcome A जो है, वो E1 को भी belong कर सकता है या फिर आउटकम ए E2 को भी बिलोंग कर सकता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को लिख भी देता हूं। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए निकालना चाहता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2। यहाँ पे ध्यान दीजिए A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2 दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट। क्यों ऐसा है? क्योंकि इवेंट्स E1, E2 अपने आप में डिसजॉइंट सेट्स हैं जो दिख रहा है आपको इस सैंपल स्पेस का। तो मैं क्या लिखूंगा इस कॉन्सेप्ट को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस बनता है, उस सैंपल स्पेस का कई सारे आप पार्टीशन करेंगे, मतलब क्या हुआ कि उसमें कई सारे अलग अलग इवेंट्स बनाएंगे और ये इवेंट्स ऐसे बनने चाहिए कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। जैसे इस सैंपल स्पेस में आपने क्या किया, इस सैंपल स्पेस का आपने दो इवेंट्स बनाया, एक E1 बनाया और एक E2 बनाया। इवेंट्स E1 क्या है, जो बल्ब है वो एक्स ने मैन्युफैक्चर किया है। E2 क्या है, यहाँ पे E2 यहाँ पे है कि जो बल्ब मैन्युफैक्चर करा है वो फैक्ट्री वाई ने किया है। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों आपका डिसजॉइंट सेट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E1 कितना है, 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या है, यहाँ पे 0.4 है, राइट। तो E1 इंटरसेक्शन E2 आपका यहाँ पे क्या है, नल सेट है, फाई है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। और तीसरी बात यहाँ पे E1 यूनियन E2 जो है सैंपल स्पेस S को बता रहा है,
यदि ऐसा हो गया तो हमने यहाँ पे क्या किया, सैंपल स्पेस, इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बना है उस सैंपल स्पेस को हमने इस तरह से पार्टीशन कर दिया है जिससे कि इस दोनों इवेंट्स E1 E2 जो हैं वो बिल्कुल डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। लेकिन यदि मैं E1 यूनियन E2 की बात करूं तो वो पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और दोनों इवेंट्स की होने की एक प्रोबेबिलिटी है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि एक सैंपल स्पेस को मैंने इस तरीके से पार्टीशन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें से मैं कोई आउटकम या कोई इवेंट डिफाइन कर देता हूँ सैंपल स्पेस एस में से, और वो आउटकम क्या है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, वो ये है कि जो बल्ब खरीदा गया है वो बल्ब आपका 5000 घंटे से ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। और इसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यदि इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं इस आउटकम की, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि वो इवेंट E1 को बिलोंग कर रहा है या फिर ये इवेंट E2 को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए निकालना चाहता हूँ या प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2। अब जैसा कि पता है आपको कि ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 आप क्लियरली देख रहे हैं दे आर डिसजॉइंट। ए इंटरसेक्शन E1 ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन E2 ये वाला पार्ट है, एंड दे आर डिसजॉइंट। तो यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो सपोज ये मान लीजिए कि X1 है या X2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 यूनियन X2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X2। क्यों? क्योंकि X1 X2 यहां पे डिसजॉइंट होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 इंटरसेक्शन X2 की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग उस समय इसको यूज कर सकते हैं जबकि हम लोग किसी इवेंट की या किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, बट उस आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं वो आउटकम कई और दूसरे इवेंट से भी रिलेटेड है। दैट मीन्स उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दूसरे इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैंने बल्ब को परचेज किया है वो बल्ब 5000 घंटे से ऊपर रन करेगा, वर्क करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि क्या खरीदा हुआ बल्ब फैक्ट्री एक्स ने मैन्युफैक्चर किया है या फिर खरीदा हुआ बल्ब फैक्ट्री वाई ने मैन्युफैक्चर किया है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। अभी हमने डिस्कस किया है, पहले मैं उसे लिख भी देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए या आउटकम ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 विच विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, राइट। मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए विल बी इक्वल टू, फाइनली हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। अब हमारा मेन पर्पस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 निकालना। यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 निकालना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड ये किसके इक्वल है यहाँ पे और ये होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, इसका मतलब ये है कि जो बल्ब परचेज करी गई है वो 5000 घंटे से ऊपर वर्क करेगी इफ और गिवन दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री एक्स जो कि डेफिनेटली 0.99 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, राइट। अब मुझे आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड ये किसके इक्वल है, ये आपका है 0.99। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसके इक्वल है जो कि आपने देख रखा होगा 0.61। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल बी इक्वल टू 0.99 × 0.6। अब आप बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 की। यहां पे प्रॉब्लम ये दे रखा है कि
जो फैक्ट्री वाई का बल्ब है वो 5000 घंटे से ऊपर चलेगा 95% केसेस में। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई टू हैज अकर्ड, ये किसके इक्वल हो गया आपका 0.95। वहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई टू क्या है वो आपका 0.4 है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई टू हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये सिंपली हो जाएगी 0.95 इनटू 0.4। तो फिर से आप एक बार देखिए, इसकी वैल्यू जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 0.99 इनटू 0.6, इसकी वैल्यू 0.95 इनटू 0.4। अब दोनों वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए जो अभी आपको बताया गया है, उसके थ्रू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को लिया था हम लोग इस तरीके से, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले सेशन में जो हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस किया था वो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और साथ में हमने डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। उसमें हमने एक एग्जांपल लेकर डिस्कस किया था। दोबारा इस सेशन में मैं ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के बारे में और टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस ले लिया। तो सैंपल स्पेस को यहाँ पे दिखा गया है एक रेक्टेंगल से, राइट। अब इस सैंपल स्पेस को हमने पार्टीशन कर दिया है तीन इवेंट्स में। पिछले सेशन में दो इवेंट लेके किया गया था। हम लोग किसी भी सैंपल स्पेस को जितने चाहें उतने इवेंट्स में पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस सैंपल स्पेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इवेंट E1, E2, E3। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक इवेंट्स जो पेयर वाइज है वो डिसजॉइंट है। दैट मींस E1 इंटरसेक्शन E2 वो नल सेट है, E2 इंटरसेक्शन E3 वो नल सेट है, एंड E1 इंटरसेक्शन E3 नल सेट है। ये कंडीशन होना काफी जरूरी है। पहली बात तो ये हो गई, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट पे लिख रखा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये सारे इवेंट्स जो होने चाहिए वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डेफिनेटली सैंपल स्पेस S को रिप्रेजेंट करें। और थर्ड कंडीशन हमारा क्या है कि हर एक इवेंट की होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि आपने इस सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन करा है वो आपने तीन इवेंट्स E1, E2, E3 में कर दिया है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप चाहे तो किसी भी सैंपल स्पेस को जो किसी एक एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप एन नंबर ऑफ इवेंट्स में पार्टीशन कर सकते हैं, राइट। बशर्ते कंडीशन ये होनी चाहिए कि हर एक इवेंट की होने की कुछ ना कुछ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। दैट मीन्स हर एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन EN दैट विल रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस S। दैट मीन्स इवेंट्स जो होनी चाहिए आपके एग्जॉस्टिव होने चाहिए। तीसरी बात, E1 इंटरसेक्शन E2, E2 इंटरसेक्शन E3, E1 इंटरसेक्शन E3 वगैरह वगैरह आपका नल सेट के इक्वल होना चाहिए। मतलब वहां पे ये हो गया कि पेयर वाइज जो इवेंट्स E1, E2, E3 वगैरह हो वो आपके डिसजॉइंट इवेंट्स होने चाहिए या डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। तो ये कंडीशंस होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस S को यदि आप n नंबर ऑफ इवेंट्स में उसे पार्टीशन करना चाहते हैं। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S। तो ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किसी भी सैंपल स्पेस को यदि आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल स्पेस में से कोई एक आउटकम ले लेते हैं या हम लोग कहें कि कोई एक इवेंट ले लेते हैं, राइट। अब उस आउटकम होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। अब ये आउटकम ऐसा है जो कि हर एक इवेंट E1, E2, E3 वगैरह से रिलेटेड है, राइट। इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि पिछले सेशन में मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। मैं आपको ये कहूंगा कि जरूर से आप पिछले सेशन को, आप प्रोबेबिलिटी का जो पिछला सेशन है उसका वीडियो डेफिनेटली आप देख लें, ताकि जो है इस कॉन्सेप्ट्स को जो मैं इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूं उसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए।
तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक आउटकम ले लेते हैं और वो आउटकम ऐसा है जो कि E1 से भी रिलेटेड है, E2 से भी रिलेटेड है और E3 से भी रिलेटेड है, राइट। अब मैं यहां पे आउटकम ए ले लेता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आउटकम ए जो है E1 से भी रिलेट हो रहा है, E2 से भी रिलेट हो रहा है, E3 से भी रिलेट हो रहा है। अब हम लोग यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो कि पिछले सेशन में डिस्कस किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, तो उसी चीज को मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप इस तरीके से पता करेंगे। तो लिख देता हूं पहले मैं इस बात को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3। अब ध्यान से देखें यहां पे पॉइंट यहां पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 ए इंटरसेक्शन E3 तीनों ही डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन E1 ये वाला पार्ट है जिसका ए इंटरसेक्शन E2 से कोई लेना देना नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 एंड ए इंटरसेक्शन E3 तीनों ही डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, राइट। तो मैं अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसको X1 ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन E1 को, ए इंटरसेक्शन E2 को X2 ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन E3 को X3 ले लीजिए। यदि X1 X2 X3 तीनों ही डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 यूनियन X2 यूनियन X3 वो जो होता है सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X3 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 विल बी सिंपली रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, राइट। तो हमने यहां पे अभी तक जो करा है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, जो कि लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3। ऐसा क्यों है, अभी जस्ट पहले कुछ देर पहले मैंने डिस्कस आपके साथ कर रखा है। अब पॉइंट ये आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कैसे निकाल सकते हैं, या ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 कैसे निकाल सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 कैसे निकाल सकते हैं। ये हम लोग निकालेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, ये किसके कुल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, राइट। तो अब हम लोग यहां पे इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 निकाल सकते हैं, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिए यहां पे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर रखा है, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 जो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। इन द सिमिलर वे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E3 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब मैं ये लिख देता हूं। अब जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो इस बात को यहां पे लिख दिया गया है। इसी तरीके से इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, इस पूरे डेरिवेशन को कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से पिछले सेशन में मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था कि पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस क्या होता है, और साथ में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। इस सेशन में मैंने डिस्कस किया इस बात को कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को जनरलाइज कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे सैंपल स्पेस एस को 3 इवेंट्स में पार्टीशन कर दिया, और इसके बाद मैंने उनमें से सैंपल स्पेस एस में से एक आउटकम ले लिया और उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि हमें ये
प्रॉब्लम में पता है कि आउटकम ए की जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट्स E1, E2, E3 से रिलेटेड है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात किया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे जनरलाइज कर सकता हूँ। मान लिया जाए कि कोई भी सैंपल स्पेस ऐसा है जो कि किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस सैंपल स्पेस का हमने एन इवेंट्स में पार्टीशन कर दिया है। अब कोई भी एक ऐसा आउटकम ए है जो कि हर एक इवेंट से रिलेटेड है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए ये आप सीधे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN, राइट। ये लिख दिया आपने पहली बात। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 वगैरह निकालने के लिए आप डायरेक्टली यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 पता कर लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 पता कर लेंगे और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN पता कर लेंगे, राइट। और उसकी सारी वैल्यू को प्लेस कर देंगे, उससे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया है वो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एक तो पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस एस का, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया है वो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस एस का डेफिनेटली यहाँ पे जो पार्टीशन हो सकता है वो एक ई और ई डैश होगा। ऐसा क्यों, देख सकते हैं आप लोग, इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन हमने कर दिया ई एंड ई डैश में। ई डैश कॉम्प्लीमेंट टू द इवेंट ई है, नोट ई, राइट। अब ई यूनियन ई डैश क्या होगा, सैंपल स्पेस एस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ग्रेटर देन जीरो है, और ई इंटरसेक्शन ई डैश जो होगा वो नल सेट होगा। दैट मींस ई एंड ई डैश जो है डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। मतलब यहां पर ये हो गया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस एस है उसका डेफिनेटली जो पार्टीशन हो सकता है, वन ऑफ द एग्जाम्पल जो पार्टीशन का हो सकता है एक उसका ई एंड ई डैश, राइट। साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस सेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस के ऊपर बात हुई है। मेरे ख्याल से आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो गया होगा, प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं आपको हर एक सेशन में कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी हमारे काम से मदद मिल सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब मैं इस सेशन में उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है कि एक अर्न है, अर्न कहलाता है एक कंटेनर। ये आपका अर्न है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने एक बॉल को ड्रॉ किया, बॉल को ड्रॉ करने के बाद यदि आपने देखा कि वो रेड बॉल है तो आपने क्या किया, उस बॉल को तो रखा ही, साथ में 2 और रेड बॉल को डाल दिया। मतलब ये हो गया कि पहले से 5 रेड बॉल थे और 5 ब्लैक बॉल थे। यदि आपने ड्रॉ किया जो बॉल, पहला बॉल जो आपने ड्रॉ किया, यदि वो रेड निकला होगा तो आपने क्या किया, 2 और बॉल प्लेस कर दिया और वो रेड बॉल ही प्लेस किया है। मतलब यहां पर ये हो गया कि अब अर्न में 7 रेड बॉल्स हो गए और 5 ब्लैक बॉल्स हो गए। कि यदि जो ड्रॉ किया आपने बॉल पहली दफा, यदि वो ब्लैक निकल जाता है तो आपने 2 और ब्लैक बॉल को प्लेस कर दिया, इंक्लूडिंग दैट बॉल जो कि आपने निकाला था वो भी आपने डाल दिया और साथ में 2 और ब्लैक बॉल डाल दिया। मतलब यहां पर ये हो गया कि अब इस केस में 5 रेड बॉल्स होंगे और 7 ब्लैक बॉल्स होंगे। अब आपने क्या किया कि दोबारा आपने एक बॉल निकाला सेकंड टाइम, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपने सेकंड टाइम जो बॉल निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक रेड बॉल हो, वो रेड बॉल हो। अब यहां पे सोचिए आप कि कैसे यूज होएगा पूरा कॉन्सेप्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का। देखिए, सेकंड बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी यदि आपको निकालनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि पहला वाला जो बॉल आपने ड्रॉ किया है वो रेड बॉल है या फिर पहला वाला बॉल आपका ब्लैक बॉल है। दैट मींस द सेकंड बॉल इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी
जो है अल्टीमेटली इस बात से रिलेटेड है कि पहला वाला बॉल रेड बॉल निकला है या पहला वाला बॉल ब्लैक बॉल निकला है। तो ये पूरा जो प्रॉब्लम है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव टू गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मान लिया जाए कि जो आपका सेकंड बॉल है वो रेड है, इसको मैंने इवेंट ए ले लिया। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये इवेंट ए इस बात से रिलेटेड है कि फर्स्ट बॉल आपका जो निकाला गया वो रेड है या फर्स्ट बॉल आपका ब्लैक है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बनेगा, उस सैंपल स्पेस में जो हम लोग पार्टीशन करेंगे दो इवेंट्स में, वो होगा ये कि E1 एंड E2, दो इवेंट्स E1 एंड E2। अब E1 क्या होगा? E1 यहाँ पे होगा कि फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ किया गया है वो आपका रेड है। E2 होगा यहाँ पे कि जो फर्स्ट बॉल आपने ड्रॉ किया है वो आपका ब्लैक है। तो पूरे इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसका हमें पार्टीशन करना पड़ेगा, और वो जो पार्टीशन करेंगे दो इवेंट्स E1 एंड E2 में, जहां पे E1 होगा कि जो पहला वाला बॉल है जो हमने ड्रॉ किया है वो रेड है, E2 यहां पे होगा जो फर्स्ट बॉल मैंने ड्रॉ किया वो आपका ब्लैक है। बहुत ध्यान से सोचिए आप लोग, E1 यूनियन E2 जो देगा वो सैंपल स्पेस S को रिप्रेजेंट कर देगा, E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो आपका फाई के इक्वल होगा, नल सेट होगा। E1 एंड E2 डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे। E1 और E2 दोनों इवेंट्स की अपनी अपनी एक प्रोबेबिलिटी है जो कि ग्रेटर देन 0 होगी, राइट? तो मैं इस बात को जो मैंने अभी आपको समझाया है उसे मैं लिख देता हूं और फिर से उसके ऊपर एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसी को मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए, ये पूरे एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस को मैंने पार्टीशन बना दिया दो इवेंट्स में, इवेंट E1 एंड इवेंट E2। ध्यान दीजिए यहाँ पे इवेंट E1 क्या है। इवेंट E1 है जो पहला वाला बॉल ड्रॉ किया गया है वो आपका रेड है, E2 यहाँ पे है जो पहला वाला बॉल ड्रॉ किया गया वो आपका ब्लैक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है, वो इवेंट या वो आउटकम क्या है कि जो मैंने सेकंड बॉल ड्रॉ किया है वो आपका रेड होना चाहिए, राइट? तो ए जो यहाँ पे आपको बता रहा है, ए उस आउटकम को बता रहा है कि द सेकंड बॉल विल बी द रेड बॉल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए, तो आउटकम ए की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। ध्यान से समझने वाली बात है, आउटकम ए की प्रोबेबिलिटी E1 से भी रिलेटेड है, आउटकम ए की प्रोबेबिलिटी E2 से भी रिलेटेड है। यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए निकालना चाहता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए, दैट मींस द सेकंड बॉल विल बी द रेड बॉल, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहला वाला जो बॉल है जो निकाला गया वो रेड बॉल है या फिर जो पहला वाला बॉल निकाला गया वो आपका ब्लैक बॉल है, राइट? ये पूरा प्रॉब्लम जो है बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को रिलेट कर रहा है। तो जैसा कि पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो है ए की जो निकाली जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, राइट? तो सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को लिख देता हूं जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। आपके साथ जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखा जाएगा, राइट? अब हमारा मेन पर्पस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 निकालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल बी इक्वल टू फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या लिखा जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू probability of the outcome A given that E1 has occurred into probability of E1, right? जैसा कि from the concept of conditional probability ये बात आती है कि probability of A intersection E1 will be equal to probability of outcome A given that E1 has occurred into probability of E1. अब सबसे पहले मैं probability of E1 निकालूंगा। E1 क्या है? E1 ये है कि पहला वाला बॉल जो होना चाहिए वो रेड बॉल होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आपने जब फर्स्ट टाइम एक बॉल को निकाला था तो उसमें कितने टोटल रेड बॉल थे? 5 रेड बॉल थे, ठीक है? और टोटल जो पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे उस केस में वो टोटल 10 है, क्योंकि आपके अर्न में इस बॉक्स में टोटल 10 बॉल्स हैं।
उस 10 बॉल्स में से 5 बॉल आपके रेड बॉल है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1, दैट मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल विल बी द रेड बॉल, राइट? इट विल बी इक्वल टू सिंपली 5/10, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल टू 1/2, राइट? तो इसको मैं लिख देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 विल बी इक्वल टू 5/10, इट विल बी इक्वल टू 1/2, राइट? अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए गिवन दैट द फर्स्ट बॉल विल बी द रेड बॉल, अब ये वाली बात है, यदि मान लो आपका पहला वाला बॉल जो निकला था रेड बॉल निकला है, तो रेड बॉल निकलने के बाद आपको क्या कहा गया प्रॉब्लम में, 2 और बॉल आपने प्लेस कर दिया उस रेड बॉल के साथ, जो आपने रेड बॉल निकाला वो तो डाल ही दिया, साथ में 2 और एडिशनल रेड बॉल डाला, तो बताइए अब टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हो गए, 7 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इस अर्न में कितने हो जाएंगे, वो आपके 12 हो जाएंगे, जिसमें से 7 रेड बॉल होगा एंड 5 ब्लैक बॉल्स होंगे। तो यदि मैं सेकंड टाइम अब बॉल निकालने जा रहा हूं, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताइए, 7/12, बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम दैट द सेकंड बॉल इज रेड बॉल गिवन दैट द फर्स्ट बॉल विल बी द रेड बॉल, इट विल बी इक्वल टू 7/12, राइट? तो इसकी वैल्यू 7/12 हो जाएगी। कि इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम दैट द सेकंड बॉल विल बी द रेड बॉल गिवन दैट द फर्स्ट बॉल विल बी द रेड बॉल विल बी इक्वल टू 7/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इट विल बी इक्वल टू 7/12, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल कम आउट 7/24, सिंपल सी बात है, यहां पे हाफ, यहां पे 7/12, तो इसकी वैल्यू 7/24 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल कम आउट 7/24, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इट हैज कम आउट 7/24, तो मैं इसकी जगह पे 7/24 प्लेस कर देता हूं, राइट? अब हमारा पर्पस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 निकालना। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल वही अप्रोच होगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 निकालने जा रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 निकाला जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल उसी तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, राइट? तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड into probability of E2 from the concept of conditional probability. अब मैं probability of E2 निकालने जा रहा हूं। अब फिर से देखिए, बहुत आसान है, it will be 1/2। अब कहा गया कि पहला वाला बॉल जो है वो ब्लैक बॉल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो जब फर्स्ट टाइम आप ड्रॉ कर रहे थे अर्न से कोई भी एक बॉल, उसमें से 5 आपके ब्लैक बॉल थे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो थे अर्न में वो 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल टू 5/10, हेंस इट विल कम आउट 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट मींस द फर्स्ट बॉल विल बी द ब्लैक बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल विल बी द रेड बॉल गिवन दैट द फर्स्ट बॉल विल बी द ब्लैक बॉल। अब बताइए, यदि पहला वाला बॉल ब्लैक बॉल निकलता है, तो अब आप कितना और ब्लैक बॉल डालेंगे उसके अंदर, तो 2 ब्लैक बॉल डालेंगे, और अब इसका मतलब ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स यहाँ पे 7 हो गए, अब 5 आपके टोटल रेड बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कंटेनर में आ जाएगा वो 12 हो गए, जिसमें से आपके 5 आपके रेड बॉल होंगे और 7 आपके ब्लैक बॉल होंगे। अब मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पुट करने जा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल रेड बॉल होएगा यदि पहला वाला बॉल ब्लैक बॉल हो जाता है, तो इट विल बी इक्वल टू 5/12, क्योंकि जब सेकंड टाइम आप बॉल निकालने जा रहे हैं उसमें से 5 आपके रेड बॉल हैं और 7 आपके ब्लैक बॉल हैं, तो 5 रेड बॉल हैं आउट ऑफ टोटल 12 बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू 5/12।
प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए गिवन दैट ई टू हैज अकर्ड इट विल बी इक्वल टू 5/12. अब यहाँ पे 5/12 प्लेस करूंगा, मैं यहाँ पे 1/2 प्लेस करूंगा, विच विल कम आउट सिंपली 5/24, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू कितना आ गया, 5/24. तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू की जगह पे 5/24 प्लेस कर देता हूँ. को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो कि हाफ है, 7/24 प्लस 5/24 विच विल कम आउट 1/2. मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए, दैट मींस प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल विल बी द रेड बॉल, विल कम आउट 1/2. बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, राइट. तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने आपको दोबारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया है. मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी दिमाग में क्लियरली आपके इस्टेब्लिश हो गया होगा, राइट. तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं और हर सेशन में ही कहता हूं, आप सोचते होंगे कि सर तो हर सेशन में बात करते हैं, यही बात करते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को बताओ, फिर से यही बात है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को बताओ हमारे चैनल के बारे में, नहीं बताया है तो करो, सबको बताओ, जितने लोग हो सकते हैं सबको बताइए, क्योंकि तभी हमारा काम का जो है और हमारी मेहनत जो है सार्थक हो पाएगी. जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए. तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ. तब तक के लिए अलविदा. ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच. तो हमारे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ और इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे. अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या. प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट में अपीयर करता है. तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट में वो अपीयर कर रहा है और ये कहा जा रहा है प्रॉब्लम में कि वो या तो क्वेश्चन के आंसर को जानता है, ही आइदर नोज द आंसर और गेस करता है, या फिर वो गेस करता है. दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस यदि उस पेपर में हैं तो 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेता है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर को वो जानता है और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर में गेस करता है. किसी भी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है. या तो वो क्वेश्चन के आंसर को जान रहा है तो उसे लिख रहा है करेक्टली, या फिर जिसके क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानता है उसे वो गेस कर देता है. अब इसके बाद कहा जा रहा है आपको कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर. अब 100 क्वेश्चंस में से 3/4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर को जानता है, मतलब 75 क्वेश्चंस के आंसर को वो जानता है, और 1/4 क्वेश्चंस को, मतलब 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 उसके आंसर को वो गेस करता है. अब कहा जा रहा है यहां पे कि एज्यूम दैट द स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर, जिसके आंसर को गेस कर रहा है उसके करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/4 है. 100 में से 75 क्वेश्चन के आंसर को तो जान रहा है तो उसे वो करेक्ट कर रहा है, लेकिन 25 क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानता है तो उसमें से वो गेस कर देता है. गेस करने के बाद 25 क्वेश्चंस के आंसर को जो गेस कर रहा है उसमें से 1/4 क्वेश्चन के आंसर जो है ना उसके करेक्ट हो जाते हैं. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द स्टूडेंट हु नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. क्वेश्चन के पॉइंट को समझिए. क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी आप बताइए किस बात की, कि वो क्वेश्चन के आंसर को जानता है गिवन दैट He answered it correctly. जितने क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट कर पा रहा है उसमें से जितने क्वेश्चन के आंसर को एग्जैक्टली जानता है इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो देखिए, ये प्रॉब्लम को हम लोग जनरल एप्टीट्यूड से भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. पहले मैं वैसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं. मल्टीपल चॉइस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, उसमें से 75 क्वेश्चंस के आंसर को जानता है तो वो करेक्ट करेगा ही करेगा. 25 क्वेश्चन के आंसर को वो गेस करता है जिसमें कि 25 × 1/4 वो करेक्ट कर देता है, क्योंकि प्रॉब्लम दे रखा है कि एज्यूम दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4. तो 25 क्वेश्चंस के आंसर को गेस करता है जिसमें से 1/4 प्रोबेबिलिटी उसके करेक्ट होने की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसको करेक्ट कर देता है बाय गेसिंग वर्क इट विल बी 25 × 1/4, राइट. तो टोटल
नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही आंसर्ड करेक्टली कितना हो जाएगा, 75, जिसके आंसर को तो वो जानता ही जानता है, प्लस 25 इनटू 1/4. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 325/4 जो आपको दिख रहा है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस बात की कि स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट जानता है, जानता कितने का 75, लेकिन वो करेक्ट कितना कर देता है 325/4. तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली विल बी सिंपली 75/325/4. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 300/325 आएगा. दैट विल कम आउट बाय सिंप्लीफाइंग इट विल कम आउट 12/13. तो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के बिना ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और आप खुद भी ये सोच सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है. अब मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं इस प्रॉब्लम को, मैं एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर सॉल्व करूंगा और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने लेके आऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी का वो कॉन्सेप्ट कैसे आया है जाएगा. अब सबसे पहले ये देखिए कि एक्सपेरिमेंट क्या है. एक्सपेरिमेंट यहां पर यह है कि स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर कर रहा है और उसके जितने क्वेश्चंस हैं उसको सब के सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, और सॉल्व जो कर रहा है वो दो ही तरीके से सॉल्व कर रहा है, या तो क्वेश्चन के आंसर को जानता है या फिर वो क्वेश्चन के आंसर को गेस करता है. तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बनता है उस सैंपल स्पेस का पार्टीशन करते हैं. तो पार्टीशन करके हमारे पास दो इवेंट्स हैं. इवन आपका यहां पे है कि स्टूडेंट नोज द आंसर करेक्टली, स्टूडेंट नोज द आंसर, और E2 यहां पे है स्टूडेंट गेसेस द आंसर, गेस कर रहा है, राइट. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4 है. तो पहले मैं इस बात को लिख देता हूं. तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 1/4 है. अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर Given that he answered it correctly. अब ध्यान दीजिए यहां पे आपका आउटकम कौन सा है, he answered it correctly. अब इनमें से हम लोग क्या करते हैं, एक इवेंट या एक आउटकम को डिफाइन करते हैं. लेट्स से वो आउटकम ए है जो इस बात को बताता है कि स्टूडेंट जो है आंसर करेक्टली कर रहा है. करेक्टली दो तरीके से वो कर सकता है, या तो वो क्वेश्चन के आंसर को जानता है या बेसिकली क्वेश्चन के आंसर को गेस करके उसे करेक्ट करता है, राइट. तो मैं क्या करता हूं यहां पे एक आउटकम ए डिफाइन करता हूं, और ये आउटकम ए जो है E1 से भी कनेक्टेड है एंड E2 से भी कनेक्टेड है, right? अब ध्यान दीजिए मैंने यहां पे एक आउटकम ए डिफाइन किया है या इवेंट ए डिफाइन किया है, और ये क्या बता रहा है कि स्टूडेंट आंसर्ड इट करेक्टली. अब देखिए आउटकम ए E1 से भी रिलेटेड है, आउटकम ए E2 से भी रिलेटेड है. अब प्रॉब्लम क्या कर रहा है वो ध्यान से देखने वाली बात है. प्रॉब्लम ये कह रहा है कि बताना आपको है कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1, क्योंकि E1 एक ऐसा इवेंट है जो कि बता रहा है कि स्टूडेंट नोज द आंसर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ये दे रखा है He answered it correctly. अब इसको आप रिलेट कीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से. मतलब यहां पे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 बतानी है गिवन दैट द इवेंट ए हैज अकर्ड. इस बात को आप समझे, इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं मैथमेटिकली. इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड. That means we have to find the probability of event E1 given that A has occurred. अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे? अभी तक हम लोग निकाल रहे थे generally सारे problem में probability of the outcome A given that E1 has occurred. लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है probability of event E1 निकालिए given that A has occurred. यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात आती है. यदि मैं आपको कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए निकालिए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, एक बात ये हो गई. लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देखिए क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड. कुछ आपको रिवर्स वाली बात नजर आ रही होगी.
दैट्स व्हाई द न्यू कॉन्सेप्ट इज इवॉल्व्ड, और इस न्यू कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और इसके ऊपर सबसे पहले मैथमेटिशियन, जिस मैथमेटिशियन ने बात करा था वो बेस था, और उसी ने एक नया थ्योरम दिया, उसको हम लोग कहते हैं बेस थ्योरम। तो मुझे अभी बेस थ्योरम नहीं आता है, मैं बेस थ्योरम पे जाना भी नहीं चाहता हूं। अब बिना बेस थ्योरम जाने मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं और सॉल्व करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने ध्यान में रखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, टोटल प्रोबेबिलिटी की, केवल आप उसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि बेस थ्योरम आपको आना चाहिए, और बिना बेस थ्योरम जाने इस प्रॉब्लम को फंडामेंटल लेवल से सॉल्व करने जा रहा हूं, राइट? तो हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड, राइट? ये निकालना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, राइट? तो मैं इसको लिख देता हूं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड, जो कि किसके इक्वल होती है, probability of E1 intersection A divided by probability of A. अब मैं probability of A निकाल लेता हूं, अब probability of E1 intersection A निकाल लेता हूं, मेरा काम सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि probability of E1 intersection A या probability of A intersection E1, बात तो एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A ना निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 निकाल लेते हैं, राइट? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यदि आप निकालना चाहते हैं तो वो निकलेगा कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1, ये दोनों इक्वल होगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। इसका मतलब मैं यदि इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं तो बड़े आराम से इसकी वैल्यू आ गई। ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यदि निकालना चाहता हूं तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, मतलब ए आपका यहां पे क्या है, स्टूडेंट आंसर्ड इट करेक्टली, E1 क्या है, यहां पे E1 है, यहां पे ही नोज द आंसर। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए Given that E1 has occurred, एक किसकी वैल्यू, इसकी किसके इक्वल वैल्यू होगी, 1 के, क्यों, क्योंकि probability that he answered the question correctly, given that he knows the answer, जिस क्वेश्चन के आंसर को आप जान रहे हैं उसके आंसर को करेक्ट करना वो तो 100% है, इसका तो इसकी वैल्यू सिंपली 1 के इक्वल हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रॉब्लम में 3/4 दे रखा है, तो यहां से हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल बी सिंपली 3/4 बिकॉज इट विल बी इक्वल टू 1, दिस वन इज 3/4, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल कम आउट 3/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए भी किसके इक्वल हो गया, 3/4 के, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए की वैल्यू मैंने निकाल रखी है जो कि किसके इक्वल आएगा, 3/4 के, तो इसकी वैल्यू 3/4 यहां पे प्लेस कर देता हूं, राइट? अब हमारा पर्पस मेन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, राइट? अब रिमेनिंग इस बात को मैं हटा देता हूं और अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक आउटकम E1 से भी रिलेटेड है, E2 से भी रिलेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, राइट? तो मैं इसको लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 ये हमने जस्ट निकाल रखा है 3/4। अब हमारा मेन पर्पस है इसकी वैल्यू निकालना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालेंगे, इसके लिए फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर करेक्टली Given that E2 has occurred, given that he guesses the answer, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं। Probability of the outcome A given that E2 has occurred, that means probability that the student give the correct answer, given that he guesses the answer,
इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई टू हैज अकर्ड, ये किसके इक्वल है, 1/4 के, क्योंकि यहां पे दे रखा है कि स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, राइट. तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, सिंपली 1/4. इसकी वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे, 1/4 के. तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू किसके इक्वल हो गया, 1/16. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई टू हैज अकर्ड, इट विल बी इक्वल टू 1/4. ये भी प्रॉब्लम है 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू कितना आ गया, सिंपली 1/16. अब ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू 1/16 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपली कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/16, राइट. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट 13/16. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 13/16. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल कम आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे 13/16 रख देता हूं और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो उससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन गिवन दैट ए हैज अकर्ड, उसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन इंटरसेक्शन ए 3/4 है, जो कि निकाल रखा था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने 13/16 निकाल रखा है. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन गिवन दैट ए हैज अकर्ड ये किसके इक्वल आ गया, सिंपली 12/13 के. और इसी के ऊपर बेस्ट ने काम किया था, इसी तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसने एक नया थ्योरम बना दिया. थ्योरम क्या बनाया, थ्योरम बनाया, जो थ्योरम उसने बनाया उस थ्योरम का नाम है बेस थ्योरम. जो आपने किया है ना, यही बेस थ्योरम है. बेस थ्योरम यही कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन गिवन दैट ए हैज अकर्ड इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ए डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन. और यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन निकालना चाहता हूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा और यहां पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई वन हैज अकर्ड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन निकालने के लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ई वन हैज अकर्ड इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन. मैं अब उसे लिख भी देता हूं, probability of E1 given that A has occurred, it will be equal to, according to the concept of conditional probability, probability of E1 intersection A divided by probability of A. बहुत ही बेसिक बात है. अब probability of E1 intersection A आएगा कहां से, तो इसको लाने के लिए मैं probability of A intersection E1 निकालूंगा. तो probability of A intersection E1 and probability of E1 intersection A एक ही है, equal है दोनों आपस में, तो मैं इसकी जगह पे probability of A intersection E1 लिख दिया. अब हमारा main concern है probability of A intersection E1 निकालना, और निकलेगा या कहां से, ये निकलेगा इस बात से कि probability of event A given that E1 has occurred, it will be equal to probability of A intersection E1 divided by probability of E1 from the concept of conditional probability. Now, probability of A intersection E1 will be equal to, simple सी बात है, probability of A given that E1 has occurred into probability of E1. अब इसकी जगह पे मैं ये value place कर दूंगा. तो probability of E1 given that A has occurred किसके equal हो जाएगा? Probability of A given that E1 has occurred into probability of E1 divided by probability of A. और इसी theorem का नाम हम लोग देते हैं Bayes theorem. बहुत ही आसान, कोई बड़ा टास्क नहीं है. Probability of A intersection E1 जो मैंने ये निकाल रखा है वो यहां पे मैं प्लेस कर देता हूं, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. मैंने यहां पे इसको प्लेस कर दिया. प्लेस करने के बाद फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट आया, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट A हैज अकर्ड इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ A. और इसी ये जो मैंने अभी डिराइव किया है इसी थ्योरम का नाम है बेस थ्योरम.
और ये बेस थ्योरम बात करता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी की। अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट इवन निकाल रहे थे, लेकिन यहां पे हमने जो निकाला है वो निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन गिवन डेट ए हैज अकर्ड। मेरे ख्याल से आपको एक तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बात समझ में आ गई होगी, दूसरी बात बेस ने जो काम किया उस थ्योरम को जिसको हम लोग कहते हैं बेस थ्योरम, वो एक्चुअली उसने क्या काम किया और कैसे इसके बारे में सोचा वो आपके दिमाग में चला गया होगा, आपके दिमाग में इस्टैब्लिश कर गया होगा, आप समझ गए होंगे कि आखिर बेस थ्योरम है क्या। राइट, हमने इस सेशन में रिवर्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करी है, दूसरा हमने यहाँ पे बात करा बेस थ्योरम के बारे में। राइट, और ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फंडामेंटल मेथडोलॉजी फंडामेंटल एप्टीट्यूड के बेसिस पे, और दूसरा मैं जो सॉल्व कर सकता हूं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेस थ्योरम के का यूज करके, या आप बेस थ्योरम नहीं भी जानते हैं तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसी से हमने सॉल्व कर दिया, और जिस अप्रोच से सॉल्व किया जिस मेथड से सॉल्व किया उसी मेथड से बेस ने सॉल्व किया था, और उसने एक नया थ्योरम दे दिया जिसका नाम हम लोग कहते हैं आज की डेट में बेस थ्योरम, जो बताता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी के बारे में। राइट, तो हमारे प्यारे साथियों प्यारे दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस सेशन में, मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूं। तो जैसा कि मैं हर सेशन में आपको कहता हूं कि हमारे आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को हमारे काम के बारे में बताइए जितना आप बता सकते हैं। तो साथियों ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अलविदा।